वीडियो में मैं एसेंचर का डाउट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, तो मैं सबको रिप्लाई देने के बजाय मैं क्या करता हूं, एक वीडियो बना देता हूं ताकि जितने लोग भी देखेंगे सबका डाउट हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले क्या है, इज कम्युनिकेशन असेसमेंट इज एन एलिमिनेशन राउंड। तो हाँ, जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है एलिमिनेशन राउंड है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। जो कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है वो एलिमिनेशन राउंड होता है, मतलब अगर आप इसमें क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए तो आपका जो फर्दर राउंड होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई डिड नॉट अटेम्प्ट द टेक्निकल राउंड एंड मूव अहेड ऑफ द कम्युनिकेशन राउंड, विल इट अफेक्ट माई सिलेक्शन इफ आई डिड नॉट अटेम्प्ट द टेक्निकल राउंड। तो देखो, अगर आपके ईमेल में जो ईमेल आपको आया है टेस्ट के लिए, उसमें लिखा है कि जो टेक्निकल राउंड है, जो टेक्निकल असेसमेंट है, वो ऑप्शनल है, तो आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अटेम्प्ट नहीं भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जैसे यहाँ लिखा है, क्या यहाँ लिखा है, द कॉग्निटिव असेसमेंट इज अ मैंडेटरी राउंड, ये हमारा मैंडेटरी है एंड विल बी एन एलिमिनेशन राउंड। ठीक है, यू मस्ट मीट आवर सिलेक्शन सेक्शनल एंड सब सेक्शनल कट ऑफ टू प्रोसीड अहेड इन आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यू विल हैव 50 मिनट्स टू कंप्लीट 50 क्वेश्चन। ठीक है सर, वंस डन, जब कॉग्निटिव असेसमेंट हो जाता है तब क्या करना है, यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द रिजल्ट्स विद इन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, 5 से 10 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। यू विल गेट एन ऑप्शन टू पार्टिसिपेट इन टेक्निकल राउंड, तब आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप टेक्निकल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेक्निकल असेसमेंट इज ऑप्शनल एंड इज नॉट एन एलिमिनेशन राउंड, जो टेक्निकल असेसमेंट होता है ऑप्शनल है। तो मतलब इस केस में ये जो स्टूडेंट है, इसके केस में जो टेक्निकल असेसमेंट है ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप आईटी ब्रांच से हैं, आप एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपको वहां टेक्निकल असेसमेंट देना पड़ेगा और हो सकता है वो आपका मैंडेटरी हो। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है एलिमिनेशन राउंड नहीं है और ये ऑप्शनल है, तो आप इसे ऑप्शनल मान सकते हो। ठीक है, प्लीज क्लिक यस इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट एंड कीप द असेसमेंट ब्राउजर एक्टिव अंटिल द एंड ऑफ असेसमेंट। अगर आपको प्रोसीड करना है तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो प्लीज क्लिक नो इफ यू डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट एंड क्लोज द ब्राउजर। ठीक है सर, पीछे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नॉन टेक्निकल फील्ड स्टूडेंट्स विल देयर बी ओनली कॉग्निटिव असेसमेंट और अलोंग विद दिस कम्युनिकेशन असेसमेंट एज वेल, इफ यस विल बोथ ऑफ दिस बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। देखो, जो नॉन टेक्निकल है, कॉग्निटिव जो असेसमेंट है, ये तो सबके लिए है, मैंडेटरी है, ये हमारा क्या है, मैंडेटरी। हो सकता है कि उसी दिन आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट हो, जो बहुत रेयर केस में होता है, नहीं तो आपको मेल आता है, आपको क्या आता है, एक मेल आता है कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए, जो उस दिन भी हो सकता है और 7 डेज के अंदर आपका हो सकता है, 7 डेज के अंदर। तो आपको क्या करना है, चिंता नहीं करना है, उसका अच्छा से प्रिपरेशन करना है कि कैसे आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट में बोलना है। ठीक है सर, ये क्या है, आफ्टर हाउ मेन आफ्टर कम्युनिकेशन असेसमेंट हाउ मेनी डेज कम्युनिकेशन असेसमेंट विल बी हेल्ड आफ्टर कॉग्निटिव, कॉग्निटिव असेसमेंट कितना होता है, तो 1 to 7 डेज, उस दिन भी हो सकता है और 7 डेज के अंदर हो सकता है। हाउ मेनी डेज इट विल टेक अप टू डिक्लेयर कम्युनिकेशन रिजल्ट ऑफ एसेंचर, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और 7 दिन के अंदर आपका डिक्लेयर हो जाएगा। हो सकता है उस दिन भी आपका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आपको इंटरव्यू का मेल आ जाए कि आप अपना स्लॉट बुक कीजिए, कब आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। ठीक है सर, आई विल रिटेन मॉक टेस्ट 29 में एग्जाम बोले, बट गिविंग एग्जाम लिंक, बट नॉट गिविंग एग्जाम लिंक। तो यार उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हेल्पलाइन नंबर आता है, हेल्पलाइन नंबर आपके ईमेल में होगा, तो सिंपली आप उस पर कॉल कीजिए और अपने इश्यू को बताइए। ठीक है, आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव गिवन द कम्युनिकेशन राउंड बट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ एग्जाम व्हेन द टाइमर वेंट ऑफ योर टेस्ट मार्क्स कुड नॉट बी अपलोडेड। अच्छा, दिस वॉज शोन एंड देयर वॉज एन ऑप्शन ऑफ रीटेस्ट और नो रीटेस्ट, सो आई क्लिक द रीटेस्ट। ठीक है, देन कॉल द हेल्प लाइन नंबर एंड दे से दैट यू विल गेट अनदर लिंक फॉर रीटेस्ट एंड हैव टू गिव द एग्जाम अगेन, बट स्टिल आई डिड नॉट रिसीव द टेस्ट लिंक, रीटेस्ट लिंक। तो आपको क्या करना है, वेट करना है, वेट, और फिर से हेल्पलाइन जो नंबर, है उस पर फिर से कॉल करना है। हालांकि आप नहीं भी कॉल कीजिएगा तो 7 डेज देखो मैक्सिमम होता है, 1 वीक मैक्सिमम होता है, इस इतना डेज में आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाता है। इसने क्या रिप्लाई किया, हे वुड यू प्लीज टेल मी हाउ टू क्वालिफाई कम्युनिकेशन असेसमेंट,
मेनली अबाउट सी क्वेश्चन सेक्शंस। तो देखो कम्युनिकेशन असेसमेंट के रिगार्डिंग हमने एक्चुअल क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, और आप चाहते हैं कि कोई प्रिपरेशन मटेरियल से आप तैयारी करें तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, जिसमें हमने क्या किया है बहुत सारा सैंपल क्वेश्चन को रखा है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप गारंटीड कम्युनिकेशन असेसमेंट की बैंड बजा दोगे। इस बात की मैं गारंटी लेकर बहुत सारे लोगों को ई बुक प्रोवाइड किया हूँ। तो अगर आप सच में प्रिपरेशन कर सकते हैं, सच में आप टाइम दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप उस ई बुक को ले लो, मात्र 282 रुपीज का है, जो आपको एसेंचर में जगह दिला देगा। ठीक है, आई डिड माई कॉग्निटिव असेसमेंट एंड क्लियर इट एंड देन आई मूव ऑन टू टेक्निकल असेसमेंट। अच्छा, हमने कॉग्निटिव असेसमेंट क्लियर कर लिया है और फिर हमने टेक्निकल असेसमेंट पे मूव किया जो ऑप्शनल था। ठीक है, आई गॉट मेल टेलिंग थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग बट आफ्टर दैट देयर इज नो फर्दर अपडेट्स अबाउट कम्युनिकेशन राउंड। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट अ मेल अबाउट कम्युनिकेशन राउंड? यार मैं बार बार बोलते बोलते थक जाऊँ, 7 डेज तो लग ही जाएंगे। आपको उसी दिन भी मेल आ सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में। अगर आप चाहते हैं कि जब आपका कम्युनिकेशन राउंड अब हो जाएगा, तो अगर आप चाहते हैं टेक्निकल राउंड या फिर एचआर राउंड का मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ, उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चन के अलावा आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको उसको भी कमेंट करना है, मैं उसको भी कंसिडर करूंगा। क्योंकि यार जब तक आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग अलग ही दुनिया में है, बहुत सारे लोग यहाँ अलग दुनिया में, वहां लिखा है ऑप्शनल है लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आप अच्छा समझे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी कभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार चैनल पर आ रही है। और आपको अगर इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आप एसेंचर का कम्युनिकेशन असेसमेंट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ई बुक ले सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।